का आज का हमारा डिसाइड हुआ था कि द्रोणी रोड है, इसमें इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें लोगों ने जो हमारी रोड है उसको इंक्रोच करके रखा हुआ है, फेंसिंग लगाई हुई है, बारबेड वायर लगाई हुई है, डंपिंग मटेरियल रखा हुआ है, और बहुत सारी जगहों पे रोड की भीड़ हमारी सिर्फ 2 से 2.5 मीटर है, जिसमें कि गाड़ी चलना बहुत मुश्किल है। तो आज हमने ये ड्राइव रखा था, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो SDM हमारे दुंदो के हैं अरुण कुमार बड़ियाल साहब, और जो DC साहब की सुपरविजन में आज हमने ये ड्राइव चलाया। ये हमने आज यहाँ से स्टार्ट किया है द्रोणी रोड से, और इसके बाद ये आगे वाले रोडों में उनमें भी जाएगा। अगर तो लोगों को हमने पहले नोट्स वगैरह सर्व कर दिए हैं, अगर उन्होंने अपना मटेरियल रोड से उठा दिया तो हमें उसमें कोई करने की जरूरत नहीं, तो हमने ये सारा ड्राइव पूरे दुंदो में करना जो हमारी PMJS की रोड से है। तो आपके माध्यम से मैं सब लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि जो मटेरियल है रोडों पे वो जल्दी से जल्दी उठा दें, नहीं तो कल के बाद फिर हम दूसरे रोडों पे जाएंगे और वहाँ जिसका भी मटेरियल वेस्ट होगा वो उसकी जिम्मेदारी होगी उसमें, क्योंकि मैंने पहले नोट सर्व किए और मीडिया के थ्रू भी मैंने एक बार बाइट दी हुई कि सब लोगों को कि ये मटेरियल वगैरह सारा आप यहाँ से उठा दो। तो ये भी एक इशू था यहाँ पर, जो जिस पोजिशन पर हम खड़े हैं यहाँ पे भी 15 साल का एक इशू है, 10-12 साल का इशू है, तो इस इशू को भी आज मैंने सपोर्ट कर दिया है। ये अक्वायर लैंड में लोगों ने कुछ एनक्रोचमेंट की हुई थी वो मैंने आज हटवा दी है, और इसमें हमारे जो पुलिस ऑफिसर मेरे साथ हैं, जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार साहब हैं, उनके सुपरविजन में हमने ये सारी आज ड्राइव की है, और इसमें अभी तक तो सब ठीक हुआ है। तो नेक्स्ट कहाँ का प्रोग्राम होगा, किस कौन सी रोड का आपका? सर दूसरा प्रोग्राम मेरा समाज थलोरन का है, क्योंकि वहाँ की भी बहुत कंप्लेंट है, वहाँ रोड में लोगों ने बहुत सारे डंप मटेरियल करके रखा हुआ है। उसके बाद मेरा ये चौरी रोड है, और जो भी मेरी सब डिवीजन में जितनी मेरी रोड हैं उन सबको मैंने एनक्रोचमेंट फ्री करना है। ये 1 महीने का मैंने रखा है कि 1 महीने तक मैं इनको सबको एनक्रोचमेंट को हटा देना है। लेकिन आपके थ्रू मैं एक बात उनको बोलना चाहता हूँ सर, कि वो अपने आप अगर हटा देंगे तो इसमें फिर हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाइक के एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियाँ जब दो क्रॉस नहीं हो सकती हैं बहुत मुश्किल आ जाती है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी अपने एनक्रोचमेंट को हटा दें, नहीं तो फिर हमें मजबूरन में ये वाला प्रोसेस उठाना पड़ेगा। सर से आज हमारे जो DC साहब हैं डोडा से, इनके डायरेक्शन और हमारे SDM साहब हैं जो गुंदो, इनके डायरेक्शन थी कि ये रोड में कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, डंपिंग मटेरियल नहीं होना चाहिए। हमने 2-3 बार 4 बार नोट्स सर्व किए, और थ्रू मीडिया मैंने एक बार बाइट भी दी थी कि इसमें सारे लोगों को बता दिया, जब उसके बावजूद भी लोगों ने नहीं किया तो उसके बाद मुझे एक्शन करना पड़ा। और अगर आगे वाले आने वाले टाइम में लोगों ने ऐसा ही किया तो मैं फिर दोबारा से ड्राइव चलाऊंगा, और मैं रोड में किसी को भी एनक्रोचमेंट करने नहीं दूंगा। ये आपके माध्यम से मैं सब लोगों को, गुंदो के सब लोगों को बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत कोऑपरेटिव लोग भी, ऐसी बात नहीं है, जो जिनको एक बार हम बोलते हैं वो उठा भी देते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का यही है कि 2-2, 4-4, 6-6 महीने मटेरियल डंप रहता है, तो वो आज के बाद नहीं रहेगा रोड पे। अगर वो अपने लेवल पे उठा देते हैं ठीक है, नहीं तो जब हम उठाएंगे वो मटेरियल फिर डैमेज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, वो उसको हमें फिर आगे पीछे उठा के कहीं फेंकना पड़ता है। चलो शुक्रिया।